सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है, दिवाली आने वाली है, बहुत ही करीब है। 31 को मतलब छोटी दिवाली है, कल धनतेरस है। तो गाइस, हमारे घर में चल रही है दिवाली की सफाई, आपको दिखाते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर ये जीने भी साफ किए हैं, और मेरा भाई वो कर रहा है नीचे की सफाई, ये देखिए। और ये पापा भी कर रहे हैं। तो गाइस, यही चल रहे हैं आज हमारे घर में। तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दे। और दिवाली आती है तो यही होता है भाई, सफाइयाँ चालू हो जाती हैं घर की, एक एक कोने की अच्छे अच्छे से सफाई होती है, सबके घरों में होती है, मेरे यहाँ भी हो रही है। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मेरा घर ऐसे दो पार्टीशन में क्यों बना हुआ है, इधर उधर सामने कमरे। तो गाइस, इसका रीज़न ये है कि मेरे घर में हॉस्टल चलता है, क्योंकि बगल में HBTU है, जिसकी वजह से यहाँ पर रूम रेंट जल्दी उठ जाते हैं रूम। तो बस यही है, इस वजह से ऐसा बना हुआ है। तो चलिए गाइस, आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि हर बार दिवाली की सफाइयाँ मेरी मम्मी करती थी, बट इस बार उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रही हैं। तो हमको, पापा को और भाई को करना पड़ रहा है। मेरी बड़ी दीदी किसी काम की नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं, बस बैठे बैठे फ़ोन चला रही हैं। तो भाई के हिस्से में आया है नीचे वाला, मतलब ये गैलरी जो कि ये साफ़ कर रहा है, और मेरे हिस्से में आया है जीने मैं साफ़ कर रही हूँ। तो यही सब चल रहा है गाइस हमारे घर में, इस वजह से वीडियो भी थोड़ा प्रॉपर नहीं आ पा रही है, क्योंकि काम ही इतना है दिवाली की वजह से। तो फ्रेंड्स, मेरे हिस्से का काम हो चुका है कम्प्लीट, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पूरे जीने साफ हो चुके हैं, अभी ये भाई के हिस्से का बचा है अभी भी। और पापा भी कर ही रहे हैं, अंदर सब साफ ही हो चुका था, ऊपर वाले रूम भी साफ हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने धोने, फिर मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। तो दोस्तों, हम हो चुके हैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी, बहुत आज काम किया, बहुत थक गए हैं, और खाना पीना कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि आज सब काम करने में लगे थे, खाना नहीं बना है, अब सीधे रात में खाऊंगी। चलिए ठीक है, इसकी वजह से मैं भूखी रहूँगी, थोड़ा वेट लॉस होगा। तो चलिए, आगे बने रही हमारे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अभी आज़ाद नगर साइकिल चलाने के लिए। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ टहलू वहलूँगी, और आप देख सकते हो कितना पसीना है मेरे पर। अभी ऐसे ही टहल कर साइकिल वाइकिल चला कर फिर जाऊंगी घर। आजकल वेट लॉस पर ध्यान दे रही हूँ, इसलिए आई थी। बस ऐसे ही फिटनेस बनानी है थोड़ी, बहुत लोगों ने टोका है इस वजह से। फ्रेंड्स, वहाँ से आने के बाद, घूम टहल कर आने के बाद, मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ी फाइल, जो कि मुझे देनी है कॉलेज में। तो ये कम्प्लीट हो गई है। तो गाइस, आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।